तो यहां से आप सारे डेट्स को याद रखेंगे क्योंकि दीज डेट्स में भी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखना है, इट टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। ये याद रखना है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको हम आजकल सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। तो यहां पे पहली मीटिंग हुई। ये याद रखना है दैट द मुस्लिम लीग इट बॉयकॉटेड द मीटिंग। याद रखना है दैट मीन्स द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग दे डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट मीटिंग। और पहले दिन क्या हुआ, डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा ही वॉज इलेक्टेड एज अ टेम्पोररी प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेंच प्रैक्टिस। ये याद रखते हैं, फ्रांस में क्या प्रैक्टिस थी, वेन एवर दे स्टार्टेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, वो क्या करते थे, द एल्डेस्ट मेंबर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट। यहां भी यही हुआ, बिकॉज डॉक्टर सचिद आनंद सिन्हा ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर from among the members of Constituent Assembly and he was elected as the temporary president on 9th December 1946. So the inaugural session it began at 11 a.m. or Dr. Sachin Ananda Sinha he was introduced, but the question is who introduced Dr. Sachid Ananda Sinha. Dr. Sachid Ananda Sinha, who was the temporary chairman of the assembly, he was introduced by Acharya Kriplani. Ye aapko yaad rakhna hai. That means pehle dais pe Acharya Kriplani aaye, unhone introduce kiya kinko, Dr. Sachid Ananda Sinha, and he was elected as the temporary chairman following the French practice. Iske baad December 11th 1946, very important date. इस दिन क्या हुआ, बिकॉज डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा ही वॉज अ टेम्पोरेरी चेयरमैन और टेम्पोरेरी प्रेजिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको इलेक्ट किया गया एज द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। याद रखना है, एंड एच सी मुखर्जी ही वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड फाइनली सर बी एन राव, वेरी इंपॉर्टेंट, सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। So on 11th December, Dr. Rajendra Prasad was made the President, H.C. Mukherjee as the Vice President and Sir B.N. Rao as the Constitutional Advisor. Uske baad 13th December 1946, very important date, is din kya hua tha? Pandit Jawaharlal Nehru, unhone ek resolution draft kiya tha, which is known as the Objectives Resolution, and this Objectives Resolution, it was moved by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th December 1946. Objectives Resolution kya tha? मैंने इसके बारे में आपको आइडिया दिया है अबाउट इन द वीडियो ऑन द प्रीएम्बल। तो यहां पे मैं इतना बोलूंगा दैट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट लेड डाउन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनली दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म इट बिकेम द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट एक्चुअली द प्रीएम्बल इज, प्रीएम्बल किसका मॉडिफाइड फॉर्म है। सो द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु ड्राफ्टेड एंड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आंसर यह है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। याद रखना है दैट द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 13th December 1946, बट इट वाज यूनैनिमसली अडॉप्टेड ऑन 22nd January 1947। दिस डेट यू हैव टू रिमेंबर। सो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर वन, व्हेन वाज इट मूव्ड, 13th December 1946। नंबर सेकंड क्वेश्चन, हु मूव्ड इट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर फोर, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नंबर फाइव, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22nd January 1947। सो पांच तरह के ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आ सकते हैं। उसके बाद ये याद रखें, दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अप टू इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, देयर वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बिकॉज इंडिया टिल नाउ इट वॉज अ डिपेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट बिकेम अ सोवरीन बॉडी। क्योंकि इंडिपेंडेंस तक द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट वर्कड अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट बिकेम अ सोवरीन बॉडी। ये आपको याद रखना है। नंबर टू,
द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट डिक्रीज टू 299। आपको पता ही है पहले इसकी मेंबरशिप 3389, और उसके बाद मैंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स दे डिड नॉट ज्वाइन, बट बिफोर इंडिपेंडेंस इन अर्ली 1947 प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया, सो हमारी 389 सीट्स फिल हो गई। बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो मेंबर्स थे हु बिलोंग टू द पाकिस्तान दे उन्होंने विड्रॉ किया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ कम हो गई अप टू 299। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट which is very very important that the constituent assembly it also became a legislative body, kyunki abhi tak we were under british and the british parliament it made laws for india as well, but now after independence we were no more a dependency of british, so we had to make laws for our own selves, so hum kaise bana sakte the, we needed a legislative body kyunki hamare paas ek इलेक्टेड लेजिस्लेचर नहीं था, हमारे पास एक ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो वी यूज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ टेम्पोररी लेजिस्लेटिव बॉडी, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज वेल, सो इन एडिशन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका और एक फंक्शन था, दैट is to make laws for the country, that's why it became a legislative body, this is a very important part. Iske baad as a legislative body aapko yaad rakhna hai when the assembly met as a constituent body, jab assembly kaam karti thi for making or framing the constitution, at that time the assembly was headed or chaired by Dr. Rajendra Prasad, so Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the constituent assembly when the constituent assembly acted as a constituent body, but when the constituent assembly met as a legislative body, kyunki maine abhi bola ki iska kaam ab law banana bhi tha, us time iska chairman G.V. Mavlankar sahab the, so yaad rakhna hai the same constituent assembly it had two functions, number one it acted as a constituent body, iska kaam tha constitution banana, when it did some functions regarding to the making of the constitution, us time it was headed by Dr. Rajendra Prasad, lekin jab isi constituent assembly ka kaam ordinary laws banana tha, us time it was headed by G.V. Mavlankar, ye yaad rakhna hai, so these were the two important functions of the constituent assembly. Aur ek point kabhi pucha ja sakta hai exams mein, the interim government of India. The interim government of India, it was formed on 2nd September 1946 from the newly elected Constituent Assembly. Because our Constituent Assembly, it was more or less a representative body. So we have used this concept that since it is a representative body, let's form an interim government of India. This interim government of India was formed on 2nd September 1946. And here we have to remember, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इट टुक मेजोरिटी ऑफ सीट्स अप अराउंड 69% ऑफ सीट्स एंड मुस्लिम लीग इट हेल्ड ऑल द सीट्स रिजर्व्ड इन द असेंबली फॉर मुस्लिम्स एंड देयर वर अदर मेंबर्स ऑफ सम अदर पार्टीज सच एज द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द यूनियनिस्ट पार्टी. इस मैं यहां इतना ही याद रखना है दैट द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 2nd September 1946 एंड द कांग्रेस वॉज इन मेजॉरिटी. आगे चलेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स. ऑन 22nd July 1947 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग क्या है, इसकी लेंथ क्या है, रेशियो क्या है, कलर्स क्या है, वट इट रिप्रेजेंट्स, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पहली फंक्शन थी दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, द सेकंड फंक्शन इज दैट इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड द थर्ड फंक्शन इज दैट द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22nd जुलाई 1947.